नमस्कार फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ सब्जी शेयर करने जा रही हूँ वो टेस्टी तो है ही और झटपट बनने वाली भी है। ले और इसके साथ साथ मान लीजिए अचानक से आपके घर मेहमान आ गए हैं और आपके यहाँ कोई भी सब्जी नहीं है तो भी आप इस सब्जी को बना सकते हैं। टेस्टी तो है ही, देखने में भी अच्छी लगती है और नो डाउट हेल्दी तो बहुत है। तो जो मेरी ये सब्जी है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो है जो हमारे न्यूट्रीला वाले आते हैं, न्यूट्रीला का चूरा जो बोलते हैं वो है। इसके अलावा हमारे इसको चाहिए, इसमें अनियन चाहिए। यहाँ पर लगभग मैंने एक पाव न्यूट्रीला के लिए साथ 2 अनियंस मीडियम साइज़ की यूज़ करी है। 3 to 4 हम इसमें टमाटो अगर छोटे साइज़ के हैं तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ मीडियम साइज़ का 1 या 2 भी चलेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज़ किया है। आप चाहें तो बिना पेस्ट के भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली अदरक किसी के मुँह में आती है अच्छा नहीं लगता है तो प्रीफर कीजिएगा इसका पेस्ट बना लें। इसके साथ जो हमारे रूटीन वाले मसाले होते हैं वो तो देखिए फटाफट झटपट बन जाएगी और टेस्टी तो ये नो डाउट बहुत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ये सोया ग्रैनुल्स थे उनको हमने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के और छलनी में डालकर रख लिया है, मतलब उसका सारा पानी निकलना चाहिए जाना चाहिए। तो ये देखिए फूल जाते हैं, इस तरह से ये बन जाते हैं। इसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। वन बाउल के लिए मैंने यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसके अंदर अभी हम 1 teaspoon जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा जब अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें अनियन डाल देंगे। अनियन को थोड़ा सा पहले फ्राई कर लीजिएगा, जब अनियन का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, उससे पहले नहीं। इसके पहले डालने से तो थोड़ा उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता है, पहले ही डालेंगे, बीच में डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इस ग्रैनुल्स के इतने सारी रेसिपीज बन सकती हैं तो इसको आप घर में ज़रूर रखिएगा। इसके हम कोफ्ते बना सकते हैं, इसके हम कीमा बना सकते हैं, इसको हम मटर डाल के बना सकते हैं। तो एक ही ग्रैनुल से आप बहुत तरह की कबाब इसके बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप अगर ये सब रेसिपी आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। इसकी बिरयानी में भी जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं तो इसके कोफ्ते बना के आप डालेंगे तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो ये सोयाबीन के नगेट्स और सोयाबीन ग्रैनुल्स ये सब जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और फटाफट बन भी जाता है। इतने देखिए हमारी जो अनियन है उसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर 2 teaspoon जैसा हमने जिंजर गार्लिक और ग्रीन मिर्च चिली का पेस्ट डाल दिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी आप जो है वो घर में बना के पहले से ही जब आप फ्री हो बनाकर रख सकते हैं, सो दैट आपको कभी इमीडिएटली कुछ फटाफट बनाना है तो आपको ये नहीं है जिंजर पेस्ट बनाने में टाइम लगे। आप फैला के बनाकर रख सकते हैं और उसको बना के फ्रीजर में रख दीजिए तो 1 week आराम से चलती है। देखिए हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था वो प्लस अनियन जो है वो फ्राई होकर तैयार हो गया है। नाउ हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर अभी अपने सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। मसालों में मैंने लिया है 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 teaspoon सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दीजिएगा। अभी इन सबको हम मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर पर उस टाइम अवेलेबल है, नहीं है तो बिना मटर के भी चलेगा। मटर इस टाइम पे डाल देंगे तो आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, वो टमाटरों के साथ ही आराम से अपने पक जाएगी।
मेरे यहाँ थोड़ी सी मटर पड़ी थी तो मैंने उसके अंदर डाल दी है। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, तब तक कि जब तक हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाए और उसका मसाला भी साथ में पक जाए। तो हम इसको इस तरह से ढक के 1 से 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा, लेकिन बीच में चला लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मसाला लग जाए। तो देखिए हमारा 1 मिनट हो गया है, अभी हमारे टमाटरों ने जो है वो ऑयल भी इसमें से रिड्यूस हो गया है। अभी सारा ऑयल जो है था इसका सब साइड किनारे छोड़ दिए हैं, इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। बस मेन जो इसमें टाइम लगेगा वो अपने मसाला भूनने में ही लगेगा। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे सब्जी आपकी उतनी अच्छी बनेगी, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि मसाला हमेशा कोई भी सब्जी बनाए मसाले को अच्छे से फ्राई करें। हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसके अंदर जो हमारे सोयाबीन था उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जब देखिए ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, मिक्स करने के बाद इसको फिर हम 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, सो दैट इसके अंदर जितने भी मसाले हैं वो सब आपस में एक दूसरे से मिल जाए और सब्जी में इसका फ्लेवर भी आ जाए। तो बस हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। देखा आपने कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब हमारी ये सब्जी बन गई है, इसको 2 मिनट के लिए आप ढक के रख दीजिए एंड नाउ रेडी टू सर्व। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है और झटपट बन जाती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।